हेलो नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो आसिफ के ऊपर है। आसिफ जिनकी 16 मई को देर रात पीटकर हत्या कर दी गई, जिसमें कहीं ना कहीं कम्युनल और पॉलिटिकल एंगर दोनों ही शामिल है इस केस में। आसिफ भी मॉब लिंचिंग का शिकार हुए, उनके फैमिली का ऐसा कहना है। तो कितनी सच्चाई है इस केस में और ये केस क्या सीरियसली कम्युनल मैटर का है या इसके पीछे कोई और ही वजह? आसिफ का मर्डर क्यों हुआ और इसके पीछे का कारण आज हम इस वीडियो में सारे फैक्ट्स को, सारे एंगल्स को बहुत ध्यान से एनालाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग। इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमें इसके सारे फैक्ट्स को इक्वली चेक करना होगा। तो सबसे पहली बात, आसिफ कौन था? मेवात खलीलपुर खेड़ा का एक निवासी था, एक 27 साल का था, जिसकी 16 मई 2021 की रात को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसके पीछे कुछ पुरानी रंजिशें भी बताई जाती हैं और कहीं ना कहीं इस मैटर में कम्युनल एक एंगल भी सामने निकल के आता है। तो इस सभी चीजें के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात, आसिफ 16 मई की रात को अपने दो कजन्स के साथ, राशिद और वासिफ के साथ गए थे सोना मेडिसिन लेने के लिए अभी अपने किसी घर के मेंबर के लिए। और जब वहां से वो लौट रहे थे तब 15-16 लोगों ने उनको उनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया और चारों तरफ से उनकी गाड़ी को बुरी तरह से इंटेंशनली हिट कर आ गया, जिसके बाद उनकी गाड़ी पलट गई। और गाड़ी पलटने के बाद उन 15-16 लोगों ने सभी को बुरी तरह से मारा, और लेकिन बावजूद इसके आसिफ को गाड़ी से निकालकर इतना मारा कि उसकी जान चली गई। आसिफ के घरवालों का कहना है कि वो मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है, और वासिफ का कहना है काफी लोगों में, बाहर के लोग भी कम से कम 15 से 20, 40, 30 से 35 तो कम से कम होंगे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था हमारे साथ। हमें कोई भी इस चीज की कोई भी पता नहीं थी, नहीं हमें कोई रंजिश थी उतने, नहीं कुछ था, कोई पहले कभी छोटी मोटी रंजिश हुई थी और हमें कोई ऐसा एतबार नहीं था कोई हम पे हमला कर देगा। हम तो सीधे दवाई लेने के लिए घर के लिए निकले थे और रास्ते में इन्होंने हमला किया और हमारे भाई को, जो कि उनके कजन हैं जो थोड़े बहुत रिकवर कर चुके हैं, उनका कहना है कि उन लोगों ने इस तरह से गाड़ी को पलटा और इस तरह से मारा कि आसिफ को बिल्कुल ही समय नहीं मिला कि वो अपने आप को बचा सके। वासिफ का कहना है उन लोगों ने वासिफ को कहा कि बोल जय श्री राम, और ना बोलने पे वासिफ को बुरी तरह से मारा। अब इस मैटर में दो एंगल निकल के आते हैं जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दोनों एंगल को प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे, फिर ही किसी अंजाम पे पहुंचेंगे। 17 मई 2021 को जब आसिफ की डेड बॉडी उनके घर वालों को मिली तो उनके पिताजी का कहना है कि उनकी डेड बॉडी पे इतने निशान थे मारने के कि वो देख के दंग रह गए, और उनके परिवार ने, आसिफ के परिवार ने उनको दफनाने से भी मना कर दिया जब तक कि पुलिस उनके हथियारों के ऊपर कार्रवाई न कर ले। काफी ये मैटर जो है वो सीरियस होता गया, गांव वाले जो थे नाराज दिखे इन सब चीजों से। उसके बाद पुलिस ने पूरे गांव में पुलिस की पूरी फोर्स तैनात हो गई। पुलिस को ये लगा कि कहीं ये मैटर प्रॉपर कम्युनल का ना बन जाए, कम्युनल मैटर ना बन जाए और इससे दंगे हो सकते हैं और इससे जो है समाज की शांति भंग हो सकती है। जब आसिफ के घर वालों ने ये कह दिया कि जब तक उनके खूनी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आसिफ का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, पुलिस ने 6 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ सेक्शन 148, सेक्शन 149, 302 और 365 ऑफ आईपीसी के तहत मुकदमा रजिस्टर्ड किया, जिसमें से जो मुख्य अपराधी है जिसके कारण ये सब हुआ उसका नाम है प्रदीप। प्रदीप और आशीष के बीच में पहले भी 3 महीने पहले भी लड़ाई हो रखी थी, लेकिन आसिफ और उसके कजन्स को ये एतबार नहीं था, मतलब कि उनको ये कोई जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो लोग इस तरह बदला ले सकते हैं आसिफ और उसके कजन से। प्रदीप और बाकी जो लोग हैं वो भी उसी गांव के हैं जिस गांव से आसिफ बिलोंग करता था। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें मुझे इस केस को, इस इंसिडेंट को प्रॉपर कम्युनल एंगर देने की कोशिश करी गई है। उन वीडियो से यही लगता है कि ये जो केस है, ये जो इंसिडेंट है वो एक कम्युनल एंगल का ही है, कम्युनल मैटर का ही है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्युनल एंगल जो है वो सिर्फ 10% इस केस में हो सकता है, लेकिन बाकी का जो 90% एंगल है वो प्रॉपर एक पॉलिटिकल लड़ाई, एक पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से थी। और पहले जो 3 महीने पहले, जैसे कि आसिफ के कजन ने भी बताया कि 3 महीने पहले इनकी लड़ाई हुई थी, पुलिस ने उस मैटर को सॉल्व करवा दिया था दोनों पार्टीज के बीच में। आसिफ जो कि सोना से ही एक विधायक है, जावेद अहमद, उनके रिलेटिव लगते हैं, और दूसरी तरफ प्रदीप जो कि सोना से ही एक नेता है
उनके रिलेटिव लगते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्लियर समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में एक पार्टी पॉलिटिक्स को लेके, एक आइडियोलॉजी और सोच के डिफरेंसेस को लेके थोड़ी बहुत इनके बीच में दिक्कत थी, जो शायद बात से सुलझाई जा सकती। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग होने की वजह से मतलब ये नहीं बनता कि आप किसी का मर्डर कर दो। मैं कई बार कह चुका हूँ कि पार्टी और पॉलिटिक्स अपनी जगह होते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ आपकी अपनी जगह होती है। अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आपकी लाइफ मैस हो जाएगी। और यही हुआ इस मैटर में। एक तरफ आसिफ की मौत हो गई तो दूसरी तरफ उसके हत्यारों को जेल होगी और डेफिनेटली उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन आरोपियों के ऊपर किडनैपिंग मर्डर सहित बाकी की जितने भी धाराएं लग सकती हैं, पुलिस ने वो सारी धाराएं लगा के मामले को दर्ज कर लिया है। अब जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तब कोर्ट में इस बारे में फैसला होगा और उनको डेफिनेटली सजा होगी ही होगी। हमारे समाज में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है जो कानून को और इंसानियत को तख्त पर रख देते हैं। ऐसे इंसान दिमागी रूप से, मानसिक रूप से रोगी होते हैं। और अगर इस इंसिडेंट में 10% कम्युनल एंगल को देखें, अगर वासिफ की बात मान लें कि प्रदीप ने उनसे कहा कि जय श्री राम बोलो नहीं तो मार देंगे, तो क्यों बोले वो जय श्री राम? क्या भक्ति, श्रद्धा और किसी की रिस्पेक्ट आप जबरदस्ती किसी से करवा सकते हो? या अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो आप उसको जान से मार दोगे? और जो लोग राम का नाम लेके ऐसे घटिया घिनौना काम करते हैं, वो कभी राम को मानते नहीं है, वो सिर्फ राम को मानने का दिखावा करते हैं ढोंग कर। लेकिन ऐसे लोगों से 4 गज की दूरी बनाए रख। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, कोई भी धर्म हो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हम सब इंसान हैं। इंसानियत से बड़ा ना तो कोई धर्म है ना कोई जात है। बेमतलब की रंजिशों के चक्कर में, बेमतलब की पॉलिटिकल, कम्युनल, इन सारी चीजों में उलझ के हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। एक इंसान की यहाँ मौत हुई है, खून किया गया है उसका। यहाँ सब हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हैं भाई, सब ने इंसान न बनने की कसम है खाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन जय हिंद।